हेलो वन दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द फ्लेटर ब्लॉक पैटर्न्स और इस लेक्चर में हम लॉग इन ब्लॉक इंप्लीमेंट करेंगे ब्लॉक से रिलेटेड जितनी भी लॉजिंग है ब्लॉक से रिलेटेड इसकी स्टेट्स, इवेंट्स हम सब कोड जितना भी है हम उसको मैनेज करेंगे एंड लास्ट वीडियो में आपको याद हो तो हमने लॉग इन यू क्रिएट की थी एंड उसको हम कोड को रिफैक्टर किया था अब आप ये आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो कोड हमने रिफैक्टर किया था उसको कितना ईजिल हम मैनेज जो हम, हम उसको इजिली मैनेज कर सकते हैं और उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं और ये सब कुछ आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा एंड स्पेशली आपको जो लॉजिक समझनी है वो है इवेंट्स की और स्टेट्स की कि इवेंट्स और स्टेट आपस में किस तरह से कनेक्ट होते हैं और उसकी जो लॉजिक है वो किस तरह से ब्लॉक में हम इंप्लीमेंट करेंगे ठीक है सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख इसके अभी तो, तो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं okay, so, सबसे पहले आपने आ जाना है लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में यहाँ पर देखें आपके पास है ब्लॉक ब्लॉक के अंदर मैंने तीन फाइल्स क्रिएट कर रखी है लॉगिन ब्लॉक लॉग इन इवेंट्स लॉग इन स्टेट ठीक है तो so, सबसे पहले हम ना लॉग इन इवेंट्स की बात करेंगे ठीक है इवेंट्स में आप यहाँ पर ये देख लें कि हमारे पास यहाँ पर दो इवेंट्स हैं ठीक है ठीके? एक है ईमेल एंड एक है पासवर्ड मींस कि जब यहाँ पर हम कुछ टाइप करेंगे ठीक है तो इसको हमने किसी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो जब हम यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे तो उसको हमने वेरिएबल में स्टोर करना है यह है एक इवेंट सेम गोज फॉर द पासवर्ड जब हम पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे सॉरी पासवर्ड एड करेंगे तो यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे उसको हमने स्टोर करना है सेकेंड uh, उसमें ठीक है तो ये हमारे पास होगा सेकेंड इवेंट ठीक है तो अब हमने इवेंट्स को अगर इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर आना होगा लॉग इवेंट्स ठीक है हमें पता है ई मेल यहाँ पर चेंज हो रहा है और पासवर्ड चेंज हो रहा है तो अब हम क्रिएट करेंगे दो इवेंट्स लेकिन उसको क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना होगा हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करनी होगी ठीक है सो so यहाँ पर लेट से मैंने ये abstract, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट किए लॉग इन इवेंट जो कि एक्सटेंड कर रहा है इक्विटेबल्स और यहां से आप इसको इंपोर्ट कर लें जो कि एक्सटेंड कर रहा है इक्वेटेबल्स को इसकी आपने क्लास को इंपोर्ट कर लिया और ये वाला पैकेज अगर आपको याद हो परफेक्ट डॉट जॉमएल में मैंने ऑलरेडी आपको ऐड करवा दिया था प्रीवियस वीडियोस में अगर आपको नहीं पता कि ये इक्विटेबल्स क्या है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में नजर आ, आ गया होगा कि इक्विटेबल्स क्या है आप इसके बारे में डिटेल में सीख सकते हैं ठीक है सो हमने एक so, एफसेट क्लास ली लॉग इन इवेंट्स एफसेट क्लास का आपको पता है कि इट एक्ट एज अ बेस क्लास टू इम्प्लीमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स फंक्शनैलिटी इन द सब क्लासेस ठीक है तो अब हम हम क्या करेंगे हम ये हमारे पास मेन एक क्लास होगी एफसेट क्लास ठीक है जो कि बेस क्लास है अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे ठीक है एंड इसको एक्सटेंड करते हुए हम इसके जो नीचे इवेंट्स है वो लिखेंगे ठीक है सो हमारे पास दूसरा इवेंट है तो हमारे पास जो पहला इवेंट है वो है ई चेंज का ठीक है सो अब मैं आपको समझा देता हूं कोड मैंने ऑलरेडी लिखा है जस्ट टू सेव द टाइम तो लेट्स हमारे पास एक क्लास है ई चेन जो कि एक्सटेंड कर रही है लॉग इन इवेंट्स को ठीक है लॉग इन इवेंट्स में ये पहला इवेंट है और यहां पर देखें इसका मैंने एक कॉन्स्ट्रक्टर क्रिएट किया है कॉन्स्ट्रक्टर ठीक है जिसको मैं पास कर रहा हूं ईमेल क्यों क्योंकि जब हम यहां पर टाइप करेंगे कुछ भी तो यहां से ये वाला जो इवेंट जब हम हिट करेंगे ठीक है ये वाला इवेंट हिट करेंगे तो वैल्यू इसको कॉन्स्ट्रक्टर चाहिए ठीक है वैल्यू इसमें इसको ई चाहिए तो ई यहां से इसको वैल्यू पास करेंगे और ये ई अब हमारे लॉग इन ब्लॉक के साथ कनेक्ट होगा ठीक है एक एक ये हो गया ठीक है अब नेक्स्ट हमने क्या करना है अब हमने यहाँ से पासवर्ड चेंज को इम्प्लीमेंट करना है ठीक है तो यहाँ पर आपके पास देखें पासवर्ड चेंज अगेन सेम ईमेल चेंज की कॉपी है हमने पासवर्ड चेंज किया ठीक है इसको एक्सटेंड कर दिया लॉग इन इवेंट्स को और इसमें हम सिंपली एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं एज अ पासवर्ड ओके अब नेक्स्ट एक और हम यहाँ पर इवेंट एक और इवेंट क्रिएट करेंगे इन दैट इज ई मेल ठीक है सो लेट से आप यहाँ पर हैं यहां पर ईमेल में ठीक है और यहां जब आप इसके ऊपर आपने टाइप कर लिया तो आप यहां पर कीबोर्ड होगा आप जब इसको हेट करेंगे ठीक है तो आप पासवर्ड जाना चाहते हैं तो अब आपने क्या किया आपका जो आपका जो ईमेल के ऊपर जो फोकस है वो खत्म हो गया और वो कहां चला गया पासवर्ड पे एंड सिमिलरली आप पासवर्ड के ऊपर आएंगे और यहां से आप इसके ऊपर कीबोर्ड को क्लोज करना चाहते हैं तो फिर आपने पासवर्ड को अनफोकस करना होगा ठीक है तो अगेन हम एक और इवेंट क्रिएट कर लेते हैं यहां पर पासवर्ड अनफोकस ठीक है ये हो गया सिंपली जो कि लॉग इन को एक्सटेंड कर रहा है एंड लास्ट में लेट से आपने ये सारी वैलिडेशन कर ली आपने ईमेल ऐड कर दिया पासवर्ड ऐड कर दिया एंड अब आप लॉग इन बटन के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं ठीक है थीके? तो यहां पर हम इसको कहेंगे लॉग इन बटन ठीक है या इसको आप जो भी अच्छा नाम देना चाहते हैं वो देख सकते हैं ठीक है थीके? तो यहां पर आ गया लॉग तो तो ये जब हम हम इसके क्लिक करेंगे तो तब क्या होगा वो बाद में देखेंगे लेकिन फिलहाल ये आपके इवेंट्स हो गए ठीक है अब हमने क्या करना है अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे लॉग इन इवेंट के अंदर ये जो इक्वेटेबल वाली क्लास है ना अब हम क्या करेंगे हम इसको क्रिएट करेंगे पार्ट और इसको हम पार्ट बनाएंगे लॉग इन ब्लॉक पर हम इसको नेम देंगे पार्ट ऑफ अब इसका फायदा ये होगा लॉगिन का ठीक है ये जो आपकी पूरी क्लास है ना लॉग इन इवेंट ये आपका पार्ट बनगी लॉग इन ब्लॉक का ठीक है तो अब आप चले जाएंगे लॉग इन ब्लॉक में और यहां पर इंपोर्ट कर लेंगे इक्वेटेबल्स को ठीक है पैकेज एंड यहां से आपने इसको कर लिया इक्वेटेबल है अब एक प्रॉब्लम है अभी देखिए आपके पास वहां पर एरर आ रहा है ठीक है तो अब आपने क्या करना लॉग इन ब्लॉक का आपकी जो इवेंट्स वाली क्लास है उसको आपने पार्ट बनाना है अपने लॉग इन बॉर्ड लॉग इन ब्लॉक का तो हम इसको कर, 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 कह देंगे ठीक है या आपके जो इवेंट्स है लॉग इन

ओके okay, ओके इसको आप करेक्ट तो आपका ये और यहां पर आप इसको कहते हैं पार्ट ऑफ तो आपका एरर रिमूव हो जाएगा ओके okay, नेक्स्ट आपने क्या करना है आपने लॉग इन लॉग इन की स्टेट्स आपने क्रिएट करनी है ठीक है सो नेक्स्ट हम लॉग की स्टेट्स को क्रिएट करेंगे तो मैंने यहाँ पर देखें ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ लॉग इन स्टेट ओके लॉग इन स्टेट में आपके पास देखें दो वेरिएबल्स हैं जो कि एक्सटेंड कर रहा है इक्विटेबल्स को ओके okay? एंड यहां पर आप देखें तो आपके पास एक ई मेल एंड एक है पासवर्ड और इसको आपने यहां पर कर दिया ठीक है फिलहाल हमारे पास ई और पासवर्ड चेंज हो रहा है एंड इनकी जो इनिशियल वैल्यूज है यहां पर देखें मैंने दिस डॉट मेल को कर दिया एम एंड देन पासवर्ड के लिए भी इसको मैंने कर दिया एम ठीक है अब नेक्स्ट हम इसका कॉपी विद फंक्शन लिखेंगे ओके सो यहां पर देखिए मैंने कॉपी विद फंक्शन लिख लिया लॉग इन स्टेट जो कि हमारे पास एक नए नई स्टेट को रिटर्न कर रहा है अब देखिए मैं आपको एक चीज कि कॉपी कॉपी विद फंक्शन आपके लिए क्या करता है आपकी जो लॉग इन स्टेट है इसका एक न्यू इंस्टेंस आपको रिटर्न रिटर्न क्रिएट करता है है ठीक तो यहां पर आप इसको दो चीजें पास कर रहे हैं ई मेल एंड पासवर्ड और ये नल नहीं हो सकती ठीक है तो लेट्स अगर आपके पास नल होंगी इनिशियली अगर आपके पास नल होंगी तो आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है जो कि एम है वो उसको गेट कर लेगा एंड अगर आप इसको नल वैल्यू पास नहीं करेंगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आप इसको यहां पर सेंड करेंगे वो यहां पर

ओके नाउ नेक्स्ट अब हम जाएंगे लॉग इन ब्लॉक में और लॉग इन ब्लॉक का जो कोड है वो हम इंप्लीमेंट करेंगे एक यहां पर आप इसको कोड को रिफैक्टर कर दें रिफैक्टर और इसको आप स्टेट्स का नेम दे दें बिकॉज वी हैव मल्टीपल स्टेट्स ईमेल पासवर्ड पासवर्ड्स हम इसको कह देंगे लॉग इन स्टेट्स ठीक है एंड देन हम लॉग इन ब्लॉक में आ जाएंगे ओके सो लॉग इन ब्लॉक में यहां पर आप एक क्लास क्रिएट करेंगे लॉग इन ब्लॉक जो कि एक्सटेंड करती है लॉग ब्लॉक uh, को ठीक है so, और ब्लॉक जब यहाँ पर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपने इस पैकेज को इम्पोर्ट करना है ब्लॉक को ठीक है अब ब्लॉक को आपने इम्पोर्ट कर लिया और अब देखें ब्लॉक की अगर आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करें तो इसको दो चीजें चाहिए वन इज स्टेट एंड वन इज इवेंट्स ठीक है तो यहां से हमने इसको पास कर दिया लॉग के इवेंट्स और यहाँ से हमने इसको पास कर दिया लॉग की स्टेट्स ठीक है देन आप यहां पर आज हे हमने लॉग इन ब्लॉक का कॉन्स्ट्रक्टर क्रिएट किया ये देखें लॉग इन ब्लॉक का कॉन्स्ट्रक्टर उसको हमने यहाँ पर सुपर में देखें सुपर सुपर का मतलब क्या सुपर का मतलब ये कि आप इसको इनिशियल initial, इनिशियलाइज कर दें ठीक है इनिशियल आप इसको यहाँ पर पास कर दें तो हमने इसको लॉग इन की इनिशियल स्टेट्स यहाँ पर हमने इसको पास कर दिया ठीक है थीके? अब हम क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पर ठीक है और यहां पर आपके पास आपके जो इवेंट्स हैं उनके अगेंस्ट आपने कुछ फंक्शंस क्रिएट करने हैं ठीक है सो so आपके पास जो पहला इवेंट है वो है ऑन ईमेल चेंज ठीक है तो आप यहां पर आ जाएंगे और इसको यहां पर इस तरह से पास कर देंगे ईमेल चेंज का आपके पास जो इवेंट है ठीक है ये ठीक है ये आपके पास आ गया और यहां से हमने ऑन ईमेल चेंज का अब इसके लिए नीचे यहां पर आ जाएंगे और इसका फंक्शन क्रिएट करेंगे ठीक है अब यहां पर आप जब इसके इनसाइड आ जाएंगे तो आपने इवेंट्स में देखें ये इवेंट्स है ठीक है इसका आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया और इस फंक्शन में आप इसको पास कर रहे हैं ईमेल चेंज इवेंट इवेंट एज अ और देन आप इसको इसको पास पास कर कर रहे हैं की की स्टेट्स स्टेट्स ठीक है तो ये आपने यहां से पा, दी अब आप क्या कर रहे हैं कि जब भी ई चेंज होगा जब भी ये वाला इवेंट ई चेंज हिट होगा तो आप इस फंक्शन के इनसाइड आएंगे जब आप इस फंक्शन के इनसाइड आएंगे तो यहां से आप इमिट करेंगे ठीक है एक नई स्टेट आप यहां से इमिट करेंगे तो ये क्या करेगा स्टेट कॉपी विद अब कॉपी विद फंक्शन आपको समझ आ रहा है ये है कॉपी विद फंक्शन ठीक है तो यहां से क्या होगा कि इसके एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा नया इंस्टेंस क्रिएट करेगा ठीक है तो यहां से आपको एक नई वैल्यू रिटर्न कर देगा ई की जो भी नई वैल्यू होगी ठीक है अब आप लॉग इन ब्लॉक पे ठीक है अब यहां से आप जब इसकी नई वैल्यू आपके पास कहां से आएगी ईमेल जो आपका ईमेल है यहां से देखें इसके कंस्ट्रक्टर से आ रही है यहां से ईमेल चेंज के कंस्ट्रक्टर से आ रही है ठीक है तो आप यहाँ से लॉग इन ब्लॉक में और यहाँ से आपके पास इवेंट्स की जो नई वैल्यू होगी वो आप इसको इमिट कर देंगे ठीक है एंड आपकी स्टेट्स क्या होंगी चेंज हो जाएंगी ठीक है अब ये तो था अब ये ये जितना कुछ भी था ये था ई से रिलेटेड ठीक है अब सेम आपने पासवर्ड के लिए भी करना है तो आप क्या करेंगे आप सेम काम यहाँ पर आ जाएंगे एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे ठीक है दिस वन ठीक है और इसको आप यहाँ से लॉग इन की स्टेट पास कर देंगे और यहाँ पर जस्ट आपने पासवर्ड चेंज वाला इवेंट आप पास करना है ठीक है एंड यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे कॉपी करने के बाद आप नीचे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ से आप इसको कह देंगे पासवर्ड चेंज ओके और पासवर्ड चेंज को आप ये वाला फंक्शन इस तरह से पास कर देंगे और बाकी सब कुछ सेम ठीक है अगेन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं जिस तरह ईमेल के लिए काम कर रहा है वैसे ही पासवर्ड के लिए भी काम करेगा ओके अब ये हमारे पास हो गया अब हमने क्या करना है अब हम अपनी यू में जाएंगे और जितना भी कोड हमने जो हमने ब्लॉक क्रिएट किया है ठीक है जो हमने ब्लॉक अभी जितना भी कोड लिखा है अब हम उसको अपने सिस्टम का पार्ट बनाएंगे ओके सो आप अब, अब हम उसको अपने सिस्टम का पार्ट बनाएंगे आप लॉग इन स्क्रीन पे आ जाए और यहां पर आपने जो लॉग इन ब्लॉक क्रिएट किया आप उसको यहां पर इस तरह से मेंशन करते हैं ठीक है लेट लॉग इन ब्लॉक आप उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लें एंड देन आप इनिट फंक्शन में आप उसको इनिशियलाइज कर लें ठीक है ये आपका इनिट फंक्शन और यहाँ पर हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया अब आपने करना क्या है ये जो आपकी बॉडी है ठीक है ये जो आपकी बॉडी है आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे ओके okay? एंड यहां पर आप क्या करेंगे ब्लॉक प्रोवाइडर ओके okay, so ये हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ रहा तो हम इसका जो पैकेज है वो इम्पोर्ट कर लेंगे पैकेज ओके एंड यहां से इसको कहेंगे फ्लटर 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 ब्लॉक 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 दिस वन ठीक है ये आपके पास आ गया अब आपके पास यहाँ से ब्लॉक प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा दिस वन ठीक है एंड देन देखें ये आपको कह रहा है कि जो आपका ब्लॉक है उसको क्रिएट करें ओके और क्रिएट करने के बाद उसका जो चाइल्ड जो हमने कोड कोड कॉपी किया था वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया ठीक है तो अब हमने कौन सा ब्लॉक क्रिएट करना है ठीक है कौन से बोर्ड कौन से ब्लॉक को अपने विजिटरी में ऐड करना है एंड दैट इज लॉग इन ब्लॉग जो हम ऊपर क्रिएट कर चुके हैं ठीक है दिस वन लॉग इन ब्लॉक तो यहाँ पर हम इसको पास कर दिया ठीक है अब आप इसके इन आ जाए और यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है ओके सो रीजन ये एरर आ रहा है बिकॉज पर हमारे पास जो है अपने लॉग इन ब्लॉक में अब आपने लॉग इन ब्लॉक पे जाए okay? और वहां पर जो इवेंट है ये जो लॉग इन इवेंट है यहाँ पर देखे ये जो ये जो इवेंट का नेम है ना ये हमारे साथ मिसमैच कर रहा है तो आप इसको कह दें लेट से सबमिट बटन कर दें ठीक है सबमिट बटन ओके सो एस यू B, SUB, submit button. Okay. तो आपके पास जो एरर है वो चला जाएगा आप अपने लॉग इन स्क्रीन पे आए तो यहाँ पर देखें अब आप आपके पास एर नहीं आ रहा है थीके? तो आप इसमें कॉन्फ्लिक्ट की आपके आपके जो ब्लॉक है इसके इन साइड हमारे पास इसको एज अ फंक्शन ट्रीट किया जा रहा है ठीक है सो तो ये एर आ रहा था देखें जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप एकदम इन एर को कैच कर लेते हैं अब आप आ जाएंगे अपने ई मेल इनपुट पे और यहाँ पर जितना भी कोड है आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और रिटर्न करवाएंगे रिटर्न ब्लॉक बिल्डर इस तरह से ठीक है एंड ब्लॉक बिल्डर में आप इसको पास करते हैं कॉन्टेक्ट और स्टेट और आप इसके इनसाइड आ जाएंगे और रिटर्न करवा देंगे जो भी कोड आपने लिखा था ठीक है दिस वन जो भी कोड हमने कॉपी किया था यहां सेमी कॉलन एड कर देंगे अब ब्लॉक बिल्डर्स को दो चीजें चाहिए एक आपका लॉग का ब्लॉक दिस वन और सेकेंड आपको इसको चाहिए लॉग की स्टेट्स ठीक है अब हम अब बहुत ज्यादा सिंपल हो गया हमारा कोड अब यहां पर क्या होगा कि जब भी ऑन चेंज मैथड में आप कोई वैल्यू एड करेंगे ना तो यहां से हम इसको प्रोवाइड करेंगे कि आप इस वैल्यू को हिट कर लो ठीक है सो कॉन्टेक्स डॉट रीड ओके और रीड किसको करना है लॉग को ब्लॉक को ठीक है यहां से रीड कर दी और एड कर दो कौन सी इवेंट को ईमेल चेंज ठीक है और ईमेल चेंज में वैल्यू कहां से आएगी यहां से सिंपल ठीक है अब अगेन सेम ये वाला कोड आप यहां से कॉपी करेंगे ठीक है ओके सॉरी अब देखें यहां पर अगर आप इसको रन करें ठीक है ओके हमारे पास कहीं पर इशू आ रहा है वो ये कह रहा है कि ब्लॉक इनिशियलाइज नहीं हो तो आप इसको दोबारा से कोड को रन कर लें तो आपका खत्म हो जाएगा ठीक है अब यहां पर देखें ईमेल में जो भी वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं ना वो आपके वेरिएबल में कहा आपके वेरिएबल में स्टोर हो रही है अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप लॉग इन ब्लॉक में आ जाए और यहां पर आपके पास इवेंट के अंदर इवेंट स्टोर ठीक है यहां पर आप इसको प्रिंट कर लें Even, dot, email, copy. Okay, sorry, save. And पर जो भी वैल्यू आप देखें add कर रहे आपके पास प्रिंट हो रही है इस कोड में एक प्रॉब्लम है और वो ये हम चाहते हैं कि जब भी कोई स्टेट हिट होगी ठीक है तो ये दोबारा से रिबिल्ड होता है ठीक है अगर आपके की ना हो तो आप यहाँ पर आ जाए अपने लॉग इन ब्लॉक में और लॉग इन ब्लॉक में आप सॉरी लॉग इन ब्लॉक में आप ना अपने ई मेल इनपुट में ही रहें और यहाँ पे प्रिंट कर दे बिल्ड ओके okay, सेव करें और देखें यहां पर देखें ये ये जो आपका पूरा का पूरा होल विजिट ना ये दोबारा से रीबिल्ड हो रहा है दिस इज नॉट अ गुड थिंग ठीक है तो इसके लिए हमारे पास ब्लॉक बिल्डर के अंदर एक और आम, बहुत जबरदस्त किस्म का फंक्शन है जिसको हम यूज करेंगे दैट इस विजिट को ओके okay, इस विजिट को यानी आपका ये जो विजिट है सिर्फ इसी विजिट को बिल्ड करो जब इस इसके अंदर कोई चेंज आती है सिर्फ इस टेक्स्ट फील्ड को दोबारा से रीबिल्ड करो ठीक है बेसिकली क्या हो रहा था जब ये आप यहाँ से एक कोई नया इंटर करते हैं कोई नई वैल्यू ऐड करते हैं कोई टाइप करते हैं तो ये बेसिकली जो आपको स्क्रीन पर चेंजेस नजर आ रही होती है तो ये आपके लिए फुल यू दोबारा से रीबिल्ड हो रही होती है ठीक है तो अब यहाँ पर आप आ जाएंगे लॉग इन ब्लॉक में ओके और यहाँ पर आप इसको प्रिंट कर देंगे बिल्ड वेन ओके करंट एंड प्रीवियस ठीक है सो लेट्स ए करंट वैल्यू है अभी ए ओके okay? और आप जो सॉरी जो आपके पास करंट वैल्यू है वो है ए ठीक है अब आप दोबारा से बी टाइप करते हैं तो आपकी करंट वैल्यू क्या है बी और प्रीवियस वैल्यू क्या है ए ठीक है तो क्या ए बी आपस में सेम है ऑफ कोर्स नहीं तो दोनों की स्टेट चेंज है तो फिर ये इस स्टेट में बिल्ड होगा ठीक है एंड इसका आपको फायदा ये है कि आप आप अब आप यहां पर अपने विजिट ट्री में चले जाएं लॉग इन स्क्रीन पर ठीक है एंड यहां पर आप कहीं पे कहीं पे भी आप प्रिंट कर दें ठीक है कुछ भी प्रिंट कर दें तो ये सारी स्टेट्स नहीं बिल्ड होंगी ठीक है तो सारी स्टेट्स डेफिनेटली नहीं बिल्ड होंगी, ठीक है तो आपके पास ये हो गया अब आप जाएंगे अपने पासवर्ड ई मेल इनपुट विजिट में और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे ओके एंड कॉपी करने के बाद आप अपने पासवर्ड इनपुट विजिट में चले जाएंगे और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से ठीक है एंड ये वाला जो कोड है नीचे इसको आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आप इसके इनसाइड इस तरह से पेस्ट कर देंगे ओके okay, और ये जो ऑन चेंज है यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना और नीचे वाला जो कोड है आपने इसको सारा रिमूव कर देना परेशान होने वाली बात नहीं है ठीक है बहुत सिंपल से कोड है आप इजीली कर लेंगे और यहाँ पर ऑन चेंज में अब आप आपने पहले आप यहां से लॉग इन ब्लॉक को इंपोर्ट कर लें लॉग इन की स्टेट्स और ब्लॉक बिल्डर के लिए फ्लटर ब्लॉक का पैकेज इम्पोर्ट कर लें अब यहाँ पर देखें ईमेल चेंज हो रहा है तो आप इसको कह देंगे पासवर्ड चेंज ओके या हम अपने इवेंट्स में जाते हैं मुझे इवेंट्स हमेशा भूल जाते हैं कि हमारे पास इवेंट्स कौन कौन से हैं तो इवेंट्स में आप जाएं और यह रहा आपका पासवर्ड चेंज पासवर्ड इनपुट पे आ जाए यहाँ से आप इसको पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे और यहां से पासवर्ड और ये आपके पास एरर सॉल्व हो गया ठीक है तो अब यहाँ से आप ई वाला काम करेंगे अब भी इसमें एक एरर है और वो क्या कि अब देखें पासवर्ड वाली फील्ड है ना यहाँ पर आप प्रिंट कर लें बिल्ड ओके प्रिंट पासवर्ड बिल्ड इसको सेव करें ओके एंड अब आप को एक बहुत मजे की चीज देखने को मिलेगी अब जब मैं ईमेल में डेटा टाइप कर रहा हूँ तो पासवर्ड क्यों बिल्ड हो रहा है ठीक है उसकी रीजन है कॉपी कोड हमने कॉपी किया तो, तो यहाँ पे ईमेल वाली स्टेट चेक हो रही है ठीक है पासवर्ड वाली नहीं हो रही तो इसको सेव करें दोबारा से अब देखें जब आप पासवर्ड में ओके ये तो नहीं हुआ ओके सो अब दोबारा से सेव करते हैं इसको

कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद ये जो नीचे पूरी टेक्स्ट फील्ड है इसको हम रिमूव कर देंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे यहां से हमने फ्लटर ब्लॉक बिल्डर का पैकेज इंपोर्ट कर लिया और साथ ही लॉग इन ब्लॉक का पैकेज जो है वो हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर बिल्ड वेन जो है ये बेसिकली आपको एक बुल रिटर्न करता है ठीक है कि इसको कब बिल्ड करना और कब नहीं करना है तो हम इसको कर देंगे फॉल्स कि हम इसको आ, क्या करते हैं हम इसको सॉरी ये जो इसका रिजल्ट आएगा इसको हम फॉल्स रिटर्न करवाएंगे कि हम इसको बिल्ड ही नहीं करना चाहते आप इसको बिल्ड मत करो ठीक है अब यहां पर मजे की चीज ये है कि अब जो भी आप डेटा इंटर कर चुके हैं ना ठीक है न, जो भी डेटा आप इंटर कर चुके हैं तो आप लॉग इन ब्लॉक में आते हैं तो यह देखें आई एम ठीक है यहां पर आप एक्स्ट्रा चेक्स भी ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वो क्या है सिक्स ओके तो यहां पर आप प्रिंट करें प्लीज इंटर पासवर्ड ग्रेटर देन सिक्स सेफ एंड देन आपको यहाँ पर देखें अब ये हमने ऑलरेडी किया हुआ ठीक है ये ग्रेटर देन सिक्स है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं एंड लेट्स चेक अब ये काम करता है या नहीं सेव करें इट्स नॉट वर्किंग ओके सर यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास जिसकी लेंथ आ रही है वो आ रही है थर्टी टू सो हम अपने अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लेते हैं बिकॉज कोई ओल्ड वैल्यू या ओल्ड इसके अंदर ऐड हो गया हो तो उसकी वजह से इशू आ रहा हो तो दो और ई मेल आप इंटर कर दें कुछ भी यहाँ पर ओके तो यहाँ पर देखें आपके पास आ रहा है प्लीज इंटर पासवर्ड ग्रेटर देन सिक्स ठीक है सिक्स करेक्टर से चार कर दें ठीक है आप अच्छा सा मैसेज खुद खुद लिख सकते हैं बट प्रॉब्लम यह है कि ये वाला जो मैसेज है ठीक है ये वाला जो आप यहां पर शो करवा रहे हैं ठीक है सिक्स करेक्टर तो ये जो एग्जैक्ट सेम एरर है वो आप यहां पर भी आप पासवर्ड में आ जाए ठीक है एंड पासवर्ड में यहां पर आपके पास देखें वैलिडेशन और वैलिडेशन में भी आप यहां पर रिटर्न करवा सकते हैं रिटर्न दिस ठीक है और यहां पर आप कंडीशन लगा सकते हैं इफ वैल्यू लेंथ ओके लेस देन डू दिस ठीक है एल्स रिटर्न नल सिंपली सेव करें ठीक okay. है ये आपके पास आगे सेव करें और यहाँ पर जब आप देखें आप प्लीज इंटर पासवर्ड ग्रेटर देन सिक्स तो आपके पास वैलिडेशन का चेक हो गया ठीक है अब नेक्स्ट आपने जो ऐड um, uh, करना है एंड दैट इज ई वैलिडेशन के ये जो ई है ये करेक्ट नहीं है ठीक है सो so यहाँ से देखें ये ईमेल करेक्ट नहीं है लेकिन हमें कोई यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है ठीक है तो उसके लिए आप जाएंगे अपने ईमेल ईमेल वाले सेक्शन में और यहां पर अगर एम ना हो तो फिर आपने वैलिडेशन चेक करनी है एंड अब वैलिडेशन के लिए आपको क्या करना होगा आप अपने यूटिल्स की क्लास में आएंगे ओके okay, so अब आप आ जाए लाइब्रेरी फोल्डर में और यहां पर एक और डायरेक्टरी क्रिएट करें और इसको आप नेम दे, दे दें यूटिल्स ओके okay? एंड इस यूटिल्स वाले फोल्डर में आप यहां पर आम, यूटिल्स ओके सो okay. so यहां पर एक फाइल क्रिएट करेंगे वेलिडेशन ओके okay? so सो ये आपके लिए क्या करेगा जितनी भी आपकी एप के अंदर वैलिडेशन से रिलेटेड डेटा होगा वो यहां पर आप क्रिएट करेंगे Okay, so आपने क्लास क्रिएट की वैलिडेशन और यहाँ पर एक फंक्शन मैंने क्रिएट ऑलरेडी uh, लिखा हुआ वा, ये वाला जो कोड है ये आपको मिल जाएगा बिकॉज ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि वैलिडेट करता है ई को ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटिक बुल ई मेल वैलिडेटर और इसको आप ई पास करते हैं और इसका रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो इट मीन्स कि आपका ये मैच करेक्ट है ठीक है एंड अगर आपके पास फॉल्स आता है तो इट मीन आपका ई जो है वो वैलिड नहीं है ठीक है तो यहाँ से आपने यूट के अंदर एक वैलिडेशन की क्लास एड कर दी जितनी भी आपकी वैलिडेशन होती है ठीक है वो यहाँ पर आप इस एक फाइल में हैंडल करेंगे फ्यूचर में ठीक है अभी मेरे पास ई है आपके पास फोन फोन नंबर की वैलिडेशन होगी आपके पास अगर आपने चेक करना है फोन करेक्ट है या नहीं है एलर्ट से आपके पास सी एन आई सी या कुछ भी आपका कस्टम रिजिक्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस क्लास में क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पर आप इजीली इनको मैनेज कर सकेंगे करेंगे ठीक है ओके okay, सो so अब आप यहां पर आ जाएंगे इसके देखे अपने ईमेल इनपुट विजिट में आ जाएंगे और यहां पर आप इसको ये जो वैल्यू इनपुट है यहां पर आप ये वाला कोड लिखेंगे ठीक है सो वैलिड वैलिडेशन ठीक है वैलिडेशन डॉट ईमेल वैल्यू डेटर और यहां पर आप इसको प्राइस यहां पर आप इसको पास करेंगे आपकी जो वैल्यू है ठीक है ये वाली वैल्यू ये जो यहां से आ रही है ठीक है वैल्यू आपने इसको पास कर दी और यहां पर आप इसको कहेंगे कि ईमेल इज नॉट करेक्ट ठीक है अच्छा सा अच्छा सा मैसेज आप खुद पास कर दीजिएगा अब यहां पर देखें इसका रिजल्ट अगर फॉल्स आता है तो ये आप इस कंडीशन में आएगा ठीक है एंड अगर ट्रू होगा तो इट मींस इस कंडीशन में नहीं आएगा ठीक है अब हम दोबारा अपने कोड पे जाते हैं और यहां पर देखें ये कह रहा है ईमेल इज नॉट करेक्ट अब आप एट द रेट साइन जी मेल डॉट कॉम लिखे तो आपके पास ये वाली जो वैलिडेशन है ये करेक्ट होगी और जो पासवर्ड है अब आपने ये इस वैलिडेशन को भी आपने हैंडल कर लिया ठीक है सो ये आपके पास वैलिडेशन का, का काम हो गया कंप्लीट एंड आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो विक ओके सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉग इन ए पी करवाना सिखाऊंगा और मॉक एपीस भी आपको इंप्लीमेंट कराना सिखाऊंगा ठीक है so, सो इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी होगी बट आई होप आपकी वीडियो पसंद आई अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम लिंक इन पे मेरे पास मेरे साथ कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट वन